हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। गाइस मेरा नाम हसन नासिर है और मैं हूं अमाद लतीफ। और गाइस सो आप लोगों ने काफी लव एंड सपोर्ट दिया फर्स्ट पार्ट पे और आप लोगों ने कमेंट किया कि गाइस जल्द से जल्द सेकंड पार्ट लेकर आए, तो हम ले आए हम ठीक है। तो आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो हमने कहा जल्द से जल्द ले आते हैं, जल्द से जल्द रिएक्शन। तो ये है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स ऑनगोइंग सिचुएशन इन अफगानिस्तान और जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉर पाकिस्तान, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान, तो उस पे जो है रिएक्शन देंगे। तो पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा, जाकर सबसे पहले अपनी हमारी जो पार्ट वन है वो अभी कल ही आया, तो उस पे जो है हमारी वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको समझ लगे कि हमने बात आगे कंटिन्यू कहां से करना है, कहां से करनी है। तो आपको लिंक उसका ना डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने जरूर देखना है वो मजे की डिस्कशन हुई थी कल, बहुत मजा आया था वीडियो देख के, ठीक है ना। और मेरे लिए ऑडियंस को भी बहुत मजा आया, जो उन्होंने इतनी डिमांड की पार्ट टू जल्दी लाएं, तो हम ले आए अभी, बहुत जल्द ले आए। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बड़ी वीडियो, फिर एंड में इंशाल्लाह मजे की डिस्कशन होगी। तो बस इसी तरह अकाउंट हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 स्टार्ट, ठीक है। जो पुराने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है और अभी के खैबर पख्तूनख्वा से जा रहे हैं, है ना, those do not belong to the Pakistanis, those belong to the Pashtuns. अच्छा, इनका एक और कहना है कि ये हमारी ज़मीन पे तुम बना रहे हो, जैसे बलोचिन से नहीं कहते कि ग्वादर हमारी ज़मीन पे, पाकिस्तान की ज़मीन पे थोड़ा ना है, यही चीज़ पश्तून भी इनसे कह रहे हैं कि भाई देखो साफ सीधी बात है, ये जो बन रहा है ये हमारी ज़मीन पे बन रहा है, हम चाइना के साथ डील करेंगे, तुम कहां से आ गए बीच में भाई। तो पाकिस्तान की सोवरेनिटी जो है, पाकिस्तान की सोवरेनिटी इज द ईजिएस्ट अवेलेबल सेलेबल कॉमोडिटी इन द मार्केट। कभी चीनियों ने खरीदी, कभी अमरीकियों ने खरीदी, कभी सऊदियों ने खरीदी, कभी यूएई वालों ने खरीदी, राइट। पाकिस्तान की सोवरेनिटी, जिसने नहीं खरीदी वो तालिबान है, उसने मुफ्त में ले ली। तालिबान कहता है पैसे क्यों दे, तो हमारा ही है, उन्होंने वैसे ही हड़प लिया। तो ये सब चीजें हैं, आप देखिए ना फ्रॉड कितना बड़ा है वैभव, झूठ कितना बड़ा है, फरेब कितना बड़ा है अपने खुद के लोगों के साथ। और मुझे कहीं ना कहीं, मैं पाकिस्तानियों पे मुझे रहम आते आते फिर रुक जाता है यार, फिर मुझे लगता है यार कि पता नहीं दे डिजर्व रहम और दे डोंट डिजर्व। एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान के डायलॉग एब्सोल्युटली नॉट। थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेट करें कि मैं पूछना चाहता हूं, ये लाहौर के जो बड़े बड़े एंकर हैं ना, जो जसूस कर रहे हैं, जा रहे हैं, जो उर्दू का कत्ल करते हैं, उर्दू के कातिलों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ए उर्दू के कातिलों एक बात बताओ मुझे, वो कौन सा अमेरिकन अफसर था जिसने बेसिस मांगे आपसे, आप उसका नाम बताइए। वो कौन सी चिट्ठी थी जिसके थ्रू आपसे बेसिस मांगे, वो कौन सा टेलीफोन कॉल था, वो कौन सा फैक्स था, वो कौन सा टेलीग्राम था, वो कौन सा बंदा था जो पर्सनली आके मिला और जिसने बोला कि अमेरिका को बेसिस चाहिए। हाँ, वो देखिए वैभव, मैं पहली बात तो ये है कि भाई किसने मांगे ये तो बताओ ना, कौन से अमेरिकन ने आके बेसिस मांगे, आप रिकॉर्ड बताओ सबके सामने, क्लियर कर दो, हमारे लिए मत क्लियर करो, अपनी पॉपुलेशन के लिए क्लियर कर दो। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक एक और चीज है लाहौरियों के साथ, ये एंकर जितने भी लाहौरी एंकर है ना जसूस वाले, दे टॉक अ लॉट अबाउट, ये बहुत वर्ड स्ट्रैटेजी बहुत यूज करते हैं, इन सबके बाप दादा कभी फौज में रह चुके होंगे ना, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ यूजिंग द वर्ड स्ट्रैटेजी, बड़ा स्ट्रैटेजिक है, बड़ा स्ट्रैटेजिक है, टैक्टिकल अकल नहीं है, बात स्ट्रैटेजी की करते हैं लोग, दे डोंट हैव द ब्रेन्स बेसिक। अगर ब्रेन्स इनकी इतनी अकल होती वैभव, तो पाकिस्तान वुड हैव बीन इन अ बेटर सिचुएशन। ये अगले दिन झूठ बोल देते हैं, ये इमरान खान को कहते हैं ना किंग ऑफ यू टर्न्स, ये लाहौरी एंकर खुद यू टर्न लेते हैं हर दूसरे दिन, एवरी सेकंड डे दे आर टेकिंग यू टर्न्स, इनको खुद ही नहीं पता क्या चल रहा है। अब आप देखो ना, CIA का डायरेक्टर आया, इमरान खान सेड आई हैव रिफ्यूज टू मीट। CIA का डायरेक्टर बोले ना इमरान खान घुटनों पे जाएगा अमेरिका। CIA का डायरेक्टर क्यों नहीं मिला इमरान खान से, क्योंकि उसको पता है कि बेवकूफ है, नौकर है भाई, मैं मालिक से मिलूंगा, मैं बाजवा से मिलूंगा, मैं जनरल फैज से मिलूंगा, उनके सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से मैं क्यों मिलूंगा, उससे क्या हासिल है ना। और मीटिंग अगर रात को हो गई तो वैसे ही 7 बजे के बाद तो भाई साहब सुई लगा के टोन होते हैं, उनसे क्या मिलके मुझे क्या हासिल है। आप देखिएगा, पाकिस्तान अलहदा मुल्क है, अकेला मुल्क है पूरी दुनिया में जहां पे जो इस्लामाबाद आता है वो रावलपिंडी जरूर जाता है, और फिर अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, क्यों जाना है आपको। आप क्या सोचते हैं कि अगर कोई अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता है इंडिया में, तो ठीक है उसके लिए अगर प्राइम मिनिस्टर या
हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कोई डिनर रखते हैं तो उसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ्स भी आते हैं, सीडीएस भी आएंगे हमारे, सब लोग मिलेंगे, हाय हेलो होगी, इंट्रोडक्शन होगा, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो चला जाएगा। इट्स ओनली इन पाकिस्तान दैट अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या डिफेंस सेक्रेटरी या कोई भी ऐसा बड़ा आदमी आएगा, ठीक है, वो हाय हेलो इनको कहेगा, फिर वो 19-20-25 किलोमीटर का जो भी रास्ता है रावलपिंडी का वो कवर करके आर्मी चीफ को बोले, क्योंकि उसको पता है कि काम जीएचक्यू से होना है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट का कोई इनके बस का नहीं है कुछ, पाकिस्तानी पार्लियामेंट, ये तो तू चोर, तुझे एनआरओ मिल गया, तू डकैत, इन्होंने यही बातें करनी है, हल्के लोग हैं, इन्होंने हल्की बातें करनी है। क्या नवाज शरीफ ठीक है, बिलावल क्या वो, इमरान खान तो बिल्कुल ही गौन केस है। तो उनको पता है कि असली जो पावर सेंटर है वो आर्मी है, और अभी तक जनरल बाजवा ने बयान नहीं दिया इस पर बेसिस के ऊपर। आपने देखा होगा जनरल बाजवा का कोई सॉलिड बयान नहीं आया बेसिस के ऊपर कि जनरल बाजवा इज कोटेड एज़ सेइंग दैट, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान के इसको तो पता भी नहीं होगा, बनीगाला के पीछे बेस होगा, इसको तो पता ही नहीं नशेड़ी को कि क्या हो रहा है, इसके घर के पीछे बेस दे देंगे, क्या कर लेंगे ये लोग, पहले भी तो दिए थे राइट। और दूसरी चीज़ है कि यार अमेरिकन, देखो अमेरिकन को पता है उन्होंने क्या करना है, वैभव दे आर वेरी वेरी क्लियर यार, ये कन्फ्यूज कौम है पाकिस्तानी ना, अमेरिकन आर नॉट कन्फ्यूज, दे नो वॉट टू डू। तो ये जो पाकिस्तानी पहले ही भंगड़े डाल रहे हैं ना, लुड़ियाँ डाल रहे हैं पहले कि भाई 3 अरब की इन्वेस्टमेंट डूब गई इंडिया की, इंडिया की क्या इन्वेस्टमेंट डूब गई, तुम्हारे खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान आ गए, तुम्हारे गिलगित बाल्टिस्तान जो तुमने इंडिया से इलीगली चोरी से रातों रात, शाहिद अफरीदी का दादा गया था जिसको तमगा मिला है, शाहिद अफरीदी का दादे को रेप करने के लिए और मर्डर करने के लिए, उसने बोला था कि मेरे दादा को तमगा मिला था जो 1947-48 में, तो उसी रूट से तो आए थे पूरा, तब से तो ये पूरा ले रखा है उन्होंने इंडिया का एरिया चोरी करके। तो दीज आर द पीपल, दे शुड बी कंसर्न अबाउट देयर एरिया। पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज पे हमले बढ़ रहे हैं, अब यहां पे भी इनको ना इंडिया की साजिश नजर आ रही है कि इंडिया की साजिश है ना, इंडिया के, ये कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे कि तुमने अपनी औकात से ऊपर जाके पंजा मारा, ठीक है। जियाउल हक था जो अफगानिस्तान में घुसा, क्यों घुसा, उसको पैसे चाहिए थे। तुम्हारा जो भी जर्नल आया इक्तदार में, उसने कौम की जेब काटी है, कौम के गले काटे हैं, पैसे बनाए हैं। ये अफगानिस्तान का जो पूरा जो मवाद फैल रहा है, ये क्यों फैल रहा है, ये क्योंकि मर्द मोमिन मर्द हक जियाउल हक जियाउल हक ये भाई गए थे घोड़े पे तलवार लेके सहराओं में घोड़े दौड़ा दिए, अल्लामा इकबाल की पोएट्री पढ़ते पढ़ते घुस गए अफगानिस्तान में, ठीक है। कालिशनोकोव और पूरी हेरोइन और कोकेन पूरी पाकिस्तान में फैल गई, और इतनी पाकिस्तान में कोकेन फैल गई हीरोइन फैल गई कि पाकिस्तान की गलियों से होते 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 वो बनीगाला पहुंच गई राइट। अब देखो दूसरी बात, परवेज मुशर्रफ ने क्या करा, वही अमेरिकन से पैसे लिया। इन द लाइन ऑफ फायर आप किताब पढ़ें, इन द लाइन ऑफ फायर उसकी किताब पढ़ें, उसने 4,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बेच दिए। हम पहले भी डिफेंसिव ऑफेंस में कवर कर चुके हैं, अपने खुद के कौम के लोगों को जो बड़ा मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, मुसलमानों को बेच दिया कि अलकायदा का है। वो कह रहा साहब मैं कबाब बेचता हूँ, शामी कबाब बेचता हूँ, कह रहा शामी शूमी कल बेचना तू, आज तू अलकायदा का है, लाओ जी $10,000। ऐसे करके उन्होंने अपने बंदे बेचे हैं। ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, वजाहत खान जो वो नहीं है जर्नलिस्ट, उनका वजाहत खान बड़ा अच्छा बोलता है, ही इज़ वन ऑफ द सेनर वॉइस टू कम आउट ऑफ पाकिस्तान। हाँ हाँ, बट मतलब बंदा ठीक है, आई लाइक वजाहत खान रिपोर्टिंग यार, मतलब टू द पॉइंट है बंदा, गोल गोल बातें नहीं करता। वजाहत खान के इंटरव्यू में उसने क्या बोला था, ही वॉज ऑन रिकॉर्ड कि हमारे बंदे गए हैं वहाँ पे, आर पीपल SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेज हैं उसके बंदे मर्सनरीज बन के गए अफगानिस्तान में, यानी पैसे लिए और लड़े हैं वो लोग। छुट्टी पे गया बंदा 2 महीने की छुट्टी लेके कि साहब जी मुझे 2 महीने की छुट्टी जानी है, ठीक है। 2 महीने की छुट्टी उसने ली, तालिबान से पैसे पकड़े और तालिबान उसने ज्वाइन कर लिया 1-1.5 महीने के लिए, पैसे कमा के वापस आ गए। ये पाकिस्तानी फौज का रूटीन रहा है और लोगों ने अलाउ करा है कि तुम गाजी हो, तुम मुजाहिद, पता नहीं कैसे फनी फनी वर्ड्स, गाजी मुजाहिद टाइप के अजीब अजीब गाजर मूली टाइप ना, इन्होंने चूरन खिला दिया लोगों को। अब वही इनके बम धमाके कर रहे हैं और झूठ क्या बोल रहे हैं लोगों को कि AC का पाइप फट गया था उससे 12-13 बंदे, यार AC का पाइप फट गया उससे बंदे मर जाते हैं, ये पहली बार सुन रहा हूं मैं, 13 लोग मर गए देखो, क्योंकि गाड़ी के AC का किसको बेवकूफ बना रहे हो यार,
किसको बेवकूफ बना रहे हो, एसी का पाइप फट गया, फिर कह रहे इंडिया की साजिश है, इंडिया ने एसी का पाइप फाड़ दिया। बिट्स भी सो ये ऐसी लोग हैं। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन इज समथिंग दैट पाकिस्तान सफर्स फ्रॉम, प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। अब आप देखना आगे आगे इनका हलवा बनने वाला अगले 6 महीने में, और ये तालिबान बनाएगा। वैभव ये बात भी सच है कि वाइल पश्तून ज़रा मेजॉरिटी इन अफगानिस्तान, पिछले कई दिहाइयों से जो ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, उन्होंने राज कराया अफगानिस्तान पर, चाहे अमेरिकन सपोर्ट से करा है, वेस्टर्न पावर्स के सपोर्ट, जैसे भी कराए, और पाकिस्तान उनके बीच में पॉपुलर नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर। दूसरी चीज़, पाकिस्तान पश्तूनों में भी पॉपुलर नहीं है, बाय द वे दालखोर दालखोर बोलते हैं ना उनको काबुल में। तीसरी चीज़, अगर खाना जंगी होती है, अगर सिविल वॉर होता है अफगानिस्तान में, जो हमें दिख रहा है कि होगा, उसके डायरेक्ट जो असर है वो पाकिस्तान पे पड़ेगा, ठीक है। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया ने हथियार भेज दिए, और वही लाहौरी एंकर अपने कि इनका कौन सा जहाज गया, पहले 40 टन या 45 टन असला दिया, फिर 45 टन का असला दिया। अच्छा, पहली चीज, कौन से लाहौरी एंकर ने देखा कि उस जहाज के अंदर असला था? मुझे तो एक बात समझ, इनसे मैं नॉर्मल चीजें पूछता हूं, अगर मैंने पूछा भी किसी पाकिस्तानी से कि आपको कैसे पता, तो पता है क्या जवाब देगा? वो ये नहीं बोलेगा कि ये फोटो है, ये मेरे पास प्रूफ है, ये बातें नहीं करेगा। वो बोलेगा और इंडिया भेजेगा क्या, असला ही तो भेजेगा, मतलब हेंस प्रूव्ड, दिस इज द लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और भेजेगा ही क्या, और अपने आप को कन्विंस कर लेंगे, चार लाहौरी ना जासूस है, साजिश है, ये सब बकवास करके अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, वो कोई चार वही बेचारे मुरझाए हुए फूल वहाँ पे बैठे रहते हैं टेबल पे, और एक दूसरे से हाईली पंजाबीज उर्दू में बात करके नाश मारते हैं डिबेट का। अब अगर हमें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने जहाज में असला नहीं भेजा, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं पता, मैंने तो देखा नहीं, हम तो प्रूफ मांगते हैं ना, हमारा जो सेंस है वो प्रूफ का है कि भाई आप सबूत दिखाएं, ऐसी उड़ी उड़ी बात ना करें, सबूत दिखाएं, इनको पाकिस्तानियों को सबूत की जरूरत नहीं है, मेरे चाचा ने देख लिया, उसके मामे ने देख लिया, उसके फूफड़ ने देख लिया, कहानी खत्म, इट्स हेंस प्रूफ्ड, दे आर लाइक दैट ओनली, बट वी आर एजुकेटेड सो वी आस्क फॉर प्रूफ, कि क्या प्रूफ है, हमने तो नहीं देखा उस जहाज में था, हाँ ठीक है, दो जहाज उतरे होंगे इंडियन एयरफोर्स के, जरूर उतरे होंगे, ठीक है, पर ये भी तो हो सकता है कि जहाज इसलिए उतरे हों क्योंकि हमारे मिशंस हैं और हमारे लोगों को वापस ले जाना है, हमारा भी वहाँ पे बहुत सामान है, ये भी हो सकता है क्योंकि हमने अपने मिशंस जो हैं वो हाफ करें हैं 50% के, और कुछ कुछ हमने मिशंस अपने बंद करें अफगानिस्तान में बिकॉज ऑफ द वायलेंस इन अफगानिस्तान, ठीक है, डन। नाउ अगर हमें पाकिस्तान को ठोकना ही है, राइट, तो हमें क्या करना है? जितने भी ताजिक हैं, जितने भी उज़्बेक हैं, उनको देते जाओ हथियार, हमारे पास कमी थोड़ा है, एक बजट बना लेते हैं, एक बजट बना लेते हैं कि $1 बिलियन अ मंथ का असला बारूद हम ड्रॉप करते रहेंगे। हमारे तो सेंट्रल एशिया में एयरबेसिस भी हैं, हमारे दो एयरबेसिस हैं वहाँ पे, फरकोर एक है, दूसरा भी एयरबेस, एंड बोथ आर इन द सेम कंट्री। अब मैं ये कहना चाहता हूँ वैभव कि वी कैन इनडेफिनेटली थ्रू एयर कीप ऑन सप्लाइंग, हर रोज एक जहाज जाए, एक जहाज लैंड करे, हर रोज कितनी 4 घंटे की फ्लाइट होगी, गया वापस आया, अगले दिन गया वापस आया, बस करते रहो साल दर साल एमोनेशन भेजते रहो, अफगानिस्तान में लड़ाई होती रहे, पाकिस्तान को ठोकते रहेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है अफगान्स डू नॉट रिकॉग्नाइज द ड्यूरेंट लाइन, और डिमांड सिंपल होनी चाहिए अफगानों की, और जो मेरा अफगान भाई सुन रहा है वो ध्यान से सुन ले, आपकी पहली डिमांड ये होनी चाहिए कि कंप्लीट खैबर पख्तूनख्वा इज पार्ट ऑफ ग्रेटर अफगानिस्तान, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, और बलूचिस्तान अपना अलहदा है, उसमें भी पश्तून है काफ़ी, लेकिन बलूचिस्तान इज अ सेपरेट कंट्री ऑल टुगेदर, एंड दिस इज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान एट ऑल, और ये लोग करेंगे अपने आप, हाँ नहीं बलोच करेंगे, देखो बलोच आर सेंसिबल पीपल, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, उनको ज़बरदस्ती गरीबी में रखा हुआ है, उनकी गैस चोरी कर ली इन लोगों ने, उनके नेचुरल रिसोर्सेज चोरी करके चाइनीज़ को भेज दिए, अब उनकी जो फिशिंग करते हैं बेचारे बलोचों की मछलियाँ भी चोरी कर दी इन लोगों ने, इतने चाइनीज़ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब बलोचों से रीजनेबल लोगों की बात करो, आराम से प्यार मोहब्बत में बात करो, बलोच आपकी बात मान जाएगा, चाहे उसको घाटा हो आपकी बात मान जाएगा, हाँ अगर आप उसको फिंगर करोगे, अगर आप उसको परेशान करोगे, फिर वो रिएक्ट करेगा, फिर वो हथियार लेकर पहाड़ों में चला जाएगा, जो पाकिस्तानियों को ठोक रहा है अभी जो कैप्टन अफान को मारा है और उसके एक साथी को मारा है, वो बलोचिस्तान में तो हुए, जो किलिंग हुई है बलोचिस्तान में हुई है उनकी, उसके पहले खैबर पख्तूनख्वा में हुई थी किलिंग,
जिसमें इतने ये चीनी विनी इंजीनियर और उसके पहले भी जो अब्दुल बासित था, जो वो यू नो मोबाइल फ़ोन के वो टावर वाला जो मामला था जिसमें एक का सरकलम कर दिया था, ये कौन है ये लोग? ये सब तालिबान का इम्पैक्ट है, ये सब तालिबान का इम्पैक्ट है और पाकिस्तान के शहरों में होने वाला है और पाकिस्तान के शहरों में दोबारा तालिबान करेगा। क्योंकि जब पाकिस्तान ना, सी व्हेन यू डांस विद द डेविल ना, एक कहावत है अंग्रेजी की, व्हेन यू डांस विद द डेविल विल ऑल्सो डांस विद यू। आपने सोचा कि आप तालिबान को कंट्रोल कर लेंगे, और मैंने शुरू करी थी ये टॉक, आज का जो वीडियो है शुरू करा था, यू कैनॉट कंट्रोल द तालिबान बिकॉज द तालिबान इज नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। तालिबान वैसा नहीं है जैसे कि आप समझो कि चाइना की आर्मी है, अमेरिका की आर्मी है, इंडिया की आर्मी है। वो ऐसी नहीं है कि इसका एक कमांड स्ट्रक्चर है, इसमें वॉरलॉर्ड्स हैं हु ओ लॉयल्टी टू मुल्ला उमर और इज आइडियोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये जब सेटल हो जाएगा ना, अफगानिस्तान की तो कोई इकोनॉमी है नहीं, ड्रग्स के अलावा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? इट हैज़ नो इकोनॉमी, इट डिपेंड्स टोटली ऑन फॉरेन सपोर्ट। अब क्या होगा इसका? अगर तालिबान काबिज हो जाता है काबुल में और अपनी सरकार बना लेता है, देखो एक तो पूरे अफगानिस्तान में कभी तालिबान ने राज करा नहीं, आज तक नहीं करा, आज तक किसी ने भी पूरा राज नहीं करा, वो फ्रैक्चर्ड अरसे में रहता है। क्यों फ्रैक्चर्ड रहता है? क्योंकि अफगानों ने कभी एक सेंट्रल अथॉरिटी मानी नहीं। जब से उनका राजा, वो दाऊद क्या नाम था उसका मैं भूल गया, जब से उनका राजा गया है तब के बाद तो इट्स ऑलवेज बीन फ्रैक्चर्ड इन अफगानिस्तान। तो अभी ये लोग सोच रहे हैं कि 85% ऑफ अफगानिस्तान तालिबान ने टेक, ये सब ये चंडू खाने के फिगर्स हैं। ठीक है, 85%। कल अगर तालिबान काबुल में आ जाता है ना, तो तालिबान मे कंट्रोल 40-50-60%, इवन 70-80%, इट विल नेवर कंट्रोल 100%। क्योंकि कोई ना कोई वॉरलॉर्ड होगा जिसको पैसा चाहिए। कैसे पैसा, कैसे पैसा लाएगा वो? ड्रग से लाएगा, है ना। अब अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड है, ठीक हो गया, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। अब वो जो चरस अफीम कोकेन है वो कौन से रास्ते दुनिया के पास जाएगी? सबसे क्लोजेस्ट पोर्ट कौन सा है भाई साहब? पाकिस्तान का है ना। ईरानी तो अलग लेवल के खिलाड़ी हैं, वो ये सब चीज़ें इनकरेज नहीं करते अपने मुल्क में। तो आप बताओ, वो जो इकोनॉमी है अफगानिस्तान की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जो कि ड्रग्स पे है, वो ड्रग्स कहाँ पे जाएंगे? वो पाकिस्तान जाएंगे। जो इतने हथियार हैं वहाँ पे, हर एक बंदे के पास दो दो हथियार हैं, 47 रॉकेट लॉन्चर लेके बंदा घूमता है वहाँ पे, वो कहाँ जाएगा? एवरीथिंग विल गो टू पाकिस्तान। पाकिस्तान थिंक्स दे कैन कंट्रोल द तालिबान, नोबडी कैन कंट्रोल द तालिबान। बिकॉज मैं वही चीज़ है, नॉट दैट कि वो बहुत बड़े कोई लड़ाका हैं या बहुत बड़े जंगजू हैं, नहीं, इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। आप पानी को कैसे कंट्रोल कर लोगे? आप मुट्ठी में पानी को कैसे कैद कर लोगे? तालिबान पानी की तरह है, इसलिए तो पूरा बर्बाद नहीं हुआ वो। अगर उनका एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर, देखो जब अमेरिकन गए थे, सदाम हुसैन 5-6 दिन के अंदर ठोक दिया उसको, यूनिफाइड स्ट्रक्चर था ना, एक बात पार्टी थी सदाम हुसैन की, इराक की बात कर रहा हूँ, कर्नल गद्दाफी लीबिया में, लीबिया की बात कर रहा हूँ, ठोक के मार दिया उसको। यहाँ पे यूनिफाइड स्ट्रक्चर है ही नहीं तालिबान का। ऐसा नहीं कि बहुत तगड़े फाइटर हैं या कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट जब श्रीलंकन आर्मी ने LTT को हराया, कैसे हराया? प्रभाकरण के अंडर एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर था, है ना। औरंगजेब को कैसे ठोका छत्रपति शिवाजी महाराज ने? हाईली मोबाइल यूनिट्स, गुरिल्ला वॉरफेयर, हाईली मोबाइल यूनिट्स। मराठा आज यहां हैं 5 बजे, 6 बजे यहां पे है ही नहीं। औरंगजेब की गद्दी खड़का दी मराठाओं ने, ठीक है, एवरीबडी हैज डन इट। बट जो मराठाओं ने करा, मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूं, जो मराठाओं ने करा वो सच के लिए करा, वो न्याय के लिए करा, वो धर्म के लिए करा, ठीक है। ये तो आतंकवादी हैं सबके सब, है ना, एंड दे आर लाइक वाटर, यू कैनॉट कंट्रोल द तालिबान। एंड यही तालिबान इनको ठोकेगा, आप देखना वैभव, 3 से लेकर 6 महीने में पाकिस्तान में यही ठोकेगा, वही, और उनका वही तरीका। और भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि ना, मैं देखो, मैं जितना भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलूं, जितना भी जहर उगलूं, मैं पाकिस्तानी आवाम के लिए कभी गलत नहीं सोचूंगा, मैं उनको जानता नहीं यार, आई डोंट नो देम, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊं वैभव, सच बात क्या है, इनके बाजारों में फिर प्रॉब्लम होने वाली है, इनके मस्जिदों में फिर प्रॉब्लम होने वाली है, इनके स्कूलों में फिर प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ वैभव, कि ना आखिरी बात बताता चलूँ, कि ये लाहौरी एंकर जो है ना, ये पाकिस्तान के जसूस वाले, इनको बड़ा ये है कि यार तालिबान जो है वो कश्मीर में जाएगा, और कश्मीर, इनको लगता है कि जैसे इनको एक जहनी तौर पे बीमार हैं ये लाहौरी एंकर,
कश्मीर कश्मीर, इनको लगता है कि सबको कश्मीर के बारे में फैसिनेशन है, तालिबान को कोई लेना देना नहीं है. देखो, मैनी वॉरलॉर्ड्स ऑफ तालिबान आर मर्सनरीज, वो भाड़े के फौजी हैं, उनको जो पैसा देगा उनके लिए लड़ेंगे, पहली चीज़. दूसरी चीज़, ये कैसे आ गए थे अंदर अर्ली 90s में? अर्ली 90s में इस तरीके से अंदर आ गए थे क्योंकि हम लोगों का वो तैयारी बॉर्डर पे उस ज़माने में, मैं 90s की बात कर रहा हूँ इंडियन आर्मी की, वो फेंसिंग नहीं थी वहाँ पे जो आज की तारीख में, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमने कभी तसव्वुर नहीं करा था ना कि ये ऐसा होगा. तो एवरीथिंग वॉज ओके. वी हैव ऑल्सो ग्रोन इन द लास्ट 30 years. ठीक है, आप कोई आए, और अगर कोई आएगा भी तो कहाँ से आएगा? अफगानिस्तान से फ्लाइट पकड़ के तो नहीं आएगा नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आएगा तो पाकिस्तान के बीच में से. और जो आदमी जहनी तौर पे बीमार है वैभव, जो क्रिमिनल है, जो आतंकवादी है, दहशतगर्द है, टेररिस्ट है, वो आपको क्या लग रहा है कि वो जब पाकिस्तान में होगा तो बिल्कुल शरीफ बन के और नमाजी बन के रहेगा, और इंडिया में आके जैसे ही कश्मीर में घुसता है अचानक वो राक्षस बन जाएगा, शैतान बन जाएगा? नहीं. जो क्रिमिनल है, जो टेररिस्ट है, वो पाकिस्तान में भी यही हरकतें करेगा जिसके लिए आप उसको इंडिया भेज रहे हैं, और ये सफ़र कर चुके हैं. हिलरी क्लिंटन ने बोला था ना, इफ़ यू हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वाला बड़ा फेमस कमेंट है उसका, हिलरी क्लिंटन का. तो एक तो ये बात है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर पैसे के लिए ही आ रहे हैं तो पाकिस्तान से तो हमारे पास 100 गुना ज़्यादा पैसा है यार. एक छोटा सा बजट बनाइए और जो वहाँ पे वॉरलॉर्ड है सबसे बड़ा, उसको बोलिए वॉरलॉर्ड को कि बॉस ये हमारा बजट है, आपको कितना पैसा चाहिए? आपको पैसा ही तो चाहिए, आपके पास कितने? मेरे पास 5,000 फाइटर है. ठीक है, आप इनकी तनख्वाहें बांध दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसा पहुंच जाएगा दुबई के थ्रू, केमन आइलैंड के थ्रू, मॉरिशस के थ्रू, कैसे भी आपको 1 तारीख को पैसा पहुंच जाएगा. ठीक है, इतने करोड़ जी मेरा मंथली बजट है, 300 करोड़, 500 करोड़ इंडियन रुपीज़ मेरा मंथली बजट है, उसको पहुंच जाएगा. हमारे लिए बहुत छोटा सा अमाउंट है. ठीक है, हाथ का मैल है, और उसको बोलो कुछ मत करो, ठोकते रहो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट्स को यहाँ से ठोकते रहो ड्यूरैंड लाइन पे, मेक द ड्यूरैंड लाइन इनविजिबल. लास्ट थिंग एंड एक्चुअली द लास्ट, पाकिस्तान इज गोइंग टू बी ओवरवेल्म्ड बिकॉज ऑफ अ रेफ्यूजी क्राइसिस. ठीक है, ये वैभव होने वाला है. खाना जंगी बढ़ेगी, सिविल वॉर बढ़ेगा, और लाखों की तादाद में अफगान आएंगे, पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे, और पाकिस्तानी खुश, भाई नाडरा वाले को पैसे चाहिए आईडी कार्ड बनाने के लिए ना, नहीं बनाएगा वो, उसमें पैसे लेगा, रेंट बढ़ेंगे. इसकी भी अपनी एक इकोनॉमी है, इसकी भी अपनी एक इकोनॉमी है, वो लोग आएंगे बेचारे यहाँ पे, और फिर वही चीज़ पाकिस्तान के अंदर, फिर कलिशनकोव लेकर आएंगे, ड्रग्स लेकर आएंगे. क्योंकि अगर 1,000 उदाहरण के लिए 1,000 अगर आते हैं अफगान पाकिस्तान के अंदर, राइट, तो 1,000 में से मैं कह रहा हूं 950 इनोसेंट हैं, और मैं मानता हूं हैं, 50 उसमें पक्का तालिबान होंगे जो वहां पे भाग कर, क्योंकि सिविल वॉर चल रहा है ना, भाग के आ गए पाकिस्तान. किसी के माथे पे थोड़ा ना लिखा है कि तालिबान है, वो ठप्पा थोड़ा ना लगा है किसी के, वो लेगा हथियार, और उसने कुछ सीख, वो कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है, वो वकील नहीं है, उसके पास कोई ट्रेड, उसको सिर्फ हथियार चलाना आता है, और उसको अपने बीवी बच्चों को पालना है, आप समझ रहे हैं? उसके पास स्किल सेट क्या है वैभव? आपका स्किल सेट है कंटेंट बनाना, आप कंटेंट बनाते हो, ये वैभव सिंह का स्किल सेट है, राइट? मेरा स्किल सेट कुछ और है, है ना? ये हैं बैठे, ये बैठे, सबका स्किल सेट अलग है. उसका स्किल सेट क्या है? उसका स्किल सेट ये है गोली चलाना, और वो चलाएगा गोली क्योंकि उसने बचपन से वही देखा, उसको आता यही है, उसको इसके अलावा कुछ नहीं आता. सो ही विल पिक अप द वेपन एंड ही विल फायर, और आपस में रंजिशें होंगी, माफिया बढ़ेगा. पठानों का ये फ्रूट का ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माफिया किसका है? पठानों का ही तो है. नाउ दे विल बी सपोर्टेड बाय द तालिबान. ये सब होगा पाकिस्तान के अंदर. ओके गाइस, वीडियो हो गई है यहाँ पे एंड. तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, हमेशा की तरह मजा आया. पता नहीं क्यों मेरे सर की बातें सुन के ना मजा आता है, मतलब उनकी ये उर्दू इतनी अच्छी है या प्यारी है, मतलब जैसे हम कोई बहुत पोलाइट अंदाज से बोल रहे हो ना, मजे से. ठीक है ना, हाँ वो अलग बात है, इन्होंने लाहौरियों को उर्दू का काफी दोष दिया है. ठीक है, वो कैसे बोल, मैं आया इस तरह कुछ, मतलब उन्होंने बोल दिया, जो लहजा है ना वो थोड़ा सा काफी, हम भी जो है ना जब लाहौर जाएं या इस तरह जाएं तो कुछ लोग ऐसे बोले हाँ मैं गया था,
तो हम समझते यार ये ना बर्गर टाइप बच्चे नहीं होते पीछे जो जिन्हें दुनिया का पता नहीं होता, बहुत पैसे वाले बच्चे होते हैं तो वो बर्गर टाइप वो इस तरह बोलते हैं हाँ मैं गया था ये सियालकोट ही ज्यादातर ऐसे तो जैसे मिलते ना डाल रहा बंदा तो इन्होंने एंकल्स को निशाना बनाया कि वो ऐसे बोलते हैं, मैं इनसे एग्री करता हूं। बिल्कुल ऐसे उन्हें चाहिए कि वो अगर उर्दू बोले तो प्योर बोले। काफी इनको इनकी जो लहजा था ना बोलने का ये प्योर सियालकोटी, मतलब सियालकोट है पाकिस्तान के अंदर यहाँ फुटबॉल बहुत एक्सपोर्ट होते हैं तो वो तो बोलते ही ऐसे ना पूरा सियालकोट ऐसे बोलते हैं और वहां से जो इधर उधर निकले अमेरिकन वो भी इन्होंने जो है ना लैंग्वेज चेंज कर गुलाबी। तो बाकी फिर दूसरी बातों पे आते हैं, मेन जो उन्होंने वाकई की दुरुस्त की है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है हर पार्टी दूसरे को कहती है तू चोर है तू चोर है तू चोर, इसी काम में लगी हुई है। बाकी जो असल जो पावर्स हैं वो सारी बात किसी और के पास है, हमारी हर सोशल मीडिया क्योंकि आपको पता है बहुत तेज हो गया, ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था जो बात हकीकत है जो फैक्ट है यहाँ के लोग मान लेते हैं उसको कि अभी क्या हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल हाँ यहाँ पे मोस्टली लोग यही कहते हैं कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है ना, कि लोगों ने जो है ना सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन जो पीडीएफ सपोर्टर्स हैं वो ऐसा नहीं समझते, लेकिन जो बाकी सब ओपोजिशन की पार्टीज और मेनली जो लोग हैं ना वो ये कहते हैं भाई ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और इसे आर्मी लेके आई है। तो इस तरह यहाँ पे भी काफी लोग समझ रहे हैं इन चीजों को क्या हो रहा है। तो इन्होंने बाकी बिल्कुल दोस्त जो कहा जो मुशर्रफ वाली बात की, जनरल जिया वाली बात की, बहुत गलतियां की हमारे जनरलों ने, बहुत गलतियां की। परवेज मुशर्रफ वाली गलती को मैंने पहले बहुत दफा जो है ना बलोचिस्तान वाली जो वीडियो बनाई थी कि बलोचिस्तान विल बी नेक्स्ट बांग्लादेश, उस वीडियो में भी मैंने बहुत बार इस बात को जो है ना किया था वाजे कि मुशर्रफ ने बहुत बड़ी गलती की थी, ठीक है, उसमें वाफिया सिद्दीक की शामिल थी, जैसे कि इन्होंने शामिल इन्होंने बंदे को आम बंदे को तालिबान बना के $10,000 सेल आउट कर दिया। मेजर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि पैसे लेके बेचा गया और ये तो फेमस बात है ना मुशर्रफ के लिए, तो खास तौर पर उसने आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी थी पाकिस्तान में कराची में, पाकिस्तान आज तक अमेरिका की जेल में है, मतलब वो उनको दे दी, ठीक है ना, अमेरिका वाले पाकिस्तान में उठा के ले गए, पाकिस्तान वाले सोए हुए हैं जी, बहुत 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 इस तरह की बहुत बाकी इस तरह की बात हुई है। और मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना वहाँ पे समझते हैं इंडिया के अंदर के पाकिस्तानी आवाम कुछ बोल नहीं सकती, मतलब यहाँ पे जो है ना जो इनके डेमोक्रेट हैं या जो आर्मी है, ठीक है ना, तो हाँ बाकी बात दुरुस्त है, लेकिन आवाम जो लोग हैं वो सच को बहुत सारे एक्सेप्ट करते हैं, जो हकीकत है उसको मानते हैं, ये गलतियां हुई हैं और अभी भी ये गलतियां हो रही हैं, ठीक है। बात बेसिकली ऐसे पाकिस्तानी आवाम को शऊर अब लिटरेसी रेट थोड़ा सा बढ़ना जब से स्टार्ट हुआ, जब से इंक्रीज हुआ है, अब से स्टार्ट हुआ है, पहले हमारा इतना लिटरेसी रेट नीचे था, इलिटरेट पीपल बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा थे, तो अब से शऊर स्टार्ट हो गया, पता चल गया जमहूरियत क्या है, असल में सियासत क्या है, लोग कैसे आपको मैनिपुलेट करके आपसे वोट लेते हैं फिर उसके बाद आपको 5 सालों के लिए भूल जाते हैं। ये जो डिकेड हमारा गुजरा है 2010 के बाद और 20 में काफी ज्यादा लोगों को जो है ना कुछ सोचने की क्वेश्चनिंग करने की समझ हो जाएगी कि हम क्वेश्चन करें अगर हमारे गुरुओं ने बताया कि फलां फलां हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है ना, जैसे हमने रिएक्शन दिया वॉर्स पे 65 की 71 कारगिल पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हमें कहा जाता है हमें मैं यही कह रहा हूँ यही कहा जाता है हम जीते, अगर जीते तो क्वेश्चनिंग करें अपने बुजुर्गों से कैसे होकर क्वेश्चन करो, ये नहीं कि जस्ट बाय पाकिस्तानी आप न्यूट्रल होकर क्वेश्चन, अगर जीते तो फिर कैसे जीते, उसके क्या सबूत हैं, क्या मतलब रीजंस हैं, तो सारा कुछ किया है, हम कैसे जीते, आप चाहते हैं कारगिल पर दोबारा किसी बंदे की वीडियो पर रिएक्शन दे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन, अगर आपने पास वीडियोस नहीं देखी तो वो जरूर देखें, जो इन्होंने वार्स पे दी हुई है बहुत मजे की वीडियोस हैं, उस पे व्यूज भी काफी है, उस पे काफी व्यूज है और काफी मजे की वीडियो है। अच्छा मात इन्होंने एक वजाहत नामी एंकर वजाहत खान गंजा पापी भाई वो इज वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है, वो काफी इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की यार, वो बहुत मतलब उनकी बातों में ना एक किस्म का एक जादू है कि आप उनको भी सुने ना जैसे मेजर साहब की बातों में एक जादू नजर आता है, तो बंदा कहता है इसका पूरा शो देखना है यार, माद ऐसे है अगर उसकी वीडियो पे ये रिएक्शन चाहते हैं तो विल डू इट, हाँ हम जरूर कर देंगे, आप जरूर बताइएगा अगर उनकी कुछ आपको वीडियो अच्छी लगती है, वजाहत खान की गंजा जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का जरूर देखिएगा, पहले दुनिया न्यूज पे था अभी शायद उन्होंने चैनल चेंज कर लिया, आई थिंक ही इज नॉट डूइंग इन्होंने बाकी अफगानिस्तान की यार जो आज का हालात चल रहे हैं वो डेवरन लाइन की जो ये मसला चल रहा है ये मुझे भी अभी खतरा नजर आ रहा है, तालिबान का हिस्सा नहीं ग्रेटर अफगानिस्तान को कहा जा रहा है और दूसरा ये बलोचिस्तान को भी सेपरेट कर रहे हैं, उसको अफगानिस्तान के साथ बलोचों का अफगानिस्तान के साथ उसको सेपरेट करने जा रहे हैं, बलोचिस्तान में बलोच है तो अगर इन दोनों को निकाले पीछे बचता है सिर्फ पंजाब और सिंध। अच्छा बलोचिस्तान पे तो आपने वीडियो बनाई है कोई जी, मैंने बनाई बलोचिस्तान उसको भी जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना वीडियोस में आ जाएगा। अभी मुझे बाकी खतरा नजर आ रहा है क्योंकि तालिबान सारे अफगानी है, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, वो पठान है वो इस चीज का मुतालबा कर सकते हैं कि इस ड्यूरेंट लाइन को खत्म किया जाए,
तो फिर पाकिस्तान का क्या इस पर रद्दअमल होगा? मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान, मैं कहता हूँ पाकिस्तान फंस जाएगा फिर तो। अभी तो पाकिस्तान जो है सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान तालिबान को, ठीक है ना, बाकायदा तौर पर वाजे दुनिया के सामने नहीं कर रहा लेकिन अंदर अंदर से कर रहा है, ये सबको पता है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई स्ट्रेटजी कोई हिसाब किताब गलत लग गया तो ये काफी मसला बन सकता है पाकिस्तान के लिए। जो अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान को हर तरह से झगड़ा जा रहा है, मैंने हमने लास्ट वीडियो में एक वीडियो अपलोड किया है कल ही हमने, कि चाइना मतलब डिप्लॉय कर रहा है मिसाइल्स पाकिस्तान के अंदर मिसाइल्स, पाकिस्तान में जितने भी मतलब टेररिस्ट ग्रुप है उनमें से किसी ने, मे भी हो सकता है, मैं आई एम नॉट कंफर्म, उन्होंने मे भी हो सकता है उन्होंने हमला करवाया, वो चाइनीज जो 10 इंजीनियर थे उनको मारा है। तो ये जो चीजें ये काफी हमें डरा रही है, हम क्योंकि रिएक्शन देते हैं हमें ऐसा ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमारे जो दोस्त हैं उनको कोई इन चीजों का नहीं पता, जब वो बुलाते हैं वो कहते हैं तुम लोग मजाक कर रहे हो, उनको बैठ के हम समझाते हैं अपने दोस्तों को ना पाकिस्तान, ये बल्कि हमारे बहुत सारे दोस्तों को मेजर साहब का भी नहीं पता, अगर उनको हम बैठते हैं रात को चाय वगैरह का ना हम डिस्कशन करते हैं उनको पता लग जाए बाकी ये चीज हुई थी। तो मैं ऐसे दोस्तों से एक दिन पूछ रहा हूँ जंगे हम कौन जीते थे, कहता हम जीते थे सारी, हमने कहा कैसे कहता सोशल स्टडीज में हमने पढ़ा, तुमने नहीं पढ़ा कहते, हमने भी वही पढ़े, बट उसके बाद जब इसने रीजन वगैरह बताया, मैंने अच्छी अच्छी वीडियोस अच्छे अच्छे एंगल्स वीडियोस रिकमेंड की डिफेंस डिटेक्टिव की इसकी, मैंने कहा यार वो चीज देखो जो आपको रीजनिंग के साथ बंदे आपको समझाएं, आपको पता लगे न्यूट्रल हो गए, ये ना हो कि आप बस आपने एक किताब के अंदर जो है ना आपको पढ़ा दिया गया कि आप जीते थे आप जीत गए। तो हमने फिर अपनी वीडियोस को बताया, हमने इस पर रिएक्शन दिए, हमारी सोच चेंज हुई यार ये रीजनिंग क्वेश्चन, बट वो चेंज नहीं हो रहे, वो कहते हैं कि आप लोग इंडियन को मतलब प्रेस कर रहे हैं, यू आर नॉट पाकिस्तानी, इतना उम्मीद है ऐसा ऐसा उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है जो मजा है, नहीं बेसिकली ऐसे हम नॉट वी आर नॉट अपोजिंग दिस मतलब वीडियोस दिस वीडियोस, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल देम दैट दिस इज रियलिटी, राइट दिस इज रियलिटी, मतलब लेकिन फेक चीज है वो एक्सेप्ट करेंगे ऐसा ऐसा सारी बात है, टाइम लगता है, मैंने पहले भी बताया था हमने जब मेजर साहब की पहली वीडियो पे रिएक्शन दिया हम खुद चौंक गए, हमने एक दो हमें मतलब गुस्सा भी आया यार ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन जब हमने इनकी रिएक्शन देना स्टार्ट किया तो यार हमें पता लगा बंदा एक बात करता है डीप इंटेलेक्चुअल तरीके से, एक लॉजिक के साथ बात करता है, लॉजिक के साथ बिहाइंड रीजन होता है, रीजन होती है, आप ये नहीं कह सकते इसने चवल मार, क्योंकि हमने रिसर्च की है इस पे, प्रॉपर रिसर्च की कि यार ये बंदा जो हमें मतलब हम डिसएग्री कर रहे थे उस चीज से, हमने गूगल पे जाके रिसर्च की, हम दोनों ने बैठ के चाय पे जब जाते हैं रात हम रिसर्च करते हैं प्रॉपर डेली हम करते हैं बिल्कुल ऐसी बेसिस पे, तो हमें पता चला कि पाकिस्तान मतलब पहल पाकिस्तान ने की बट पाकिस्तान चारों जगह हार गए। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं यार, मेरे ख्याल से बहुत लंबी वीडियो होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं पसंद आई तो मर्जी है यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो पसंद आ जाए सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, इसी के साथ इतना रखें, बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।